तो किस किस तरीके से ये वर्क करता है। आप इसे फाउंडेशन में मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं, फाउंडेशन से पहले एज अ प्राइमर आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और मेकअप करने के बाद अगर आपको फेस को हाईलाइट करना है तो एज अ हाईलाइटर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं अपने फेस पे एज अ हाईलाइटर से अप्लाई कर रही हूँ। वाओ, तो ये एक बहुत बढ़िया स्ट्रॉब क्रीम है। तो एज अ स्ट्रॉब क्रीम भी आप इससे बहुत बहुत अच्छा काम निकाल सकते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि प्राइस इसका कम है। तो ये देखिए, इसके अंदर शाइन देख सकते हैं आप इसमें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी के रियल मेकअप बेस हाइलाइटिंग प्राइमर। तो एक प्राइमर जो हाइलाइटर का भी काम करता है, ऐसा कैसा प्राइमर है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी किस तरीके से प्राइमर के साथ साथ एक हाइलाइटिंग इफेक्ट भी आपको देता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। ये किसी तरीके का स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। किस तरीके से ये वर्क करता है, Everything I will share in this video. तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना वेस्ट किए हुए टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको अलग अलग तरीके के 3 से 4 शेड्स मिल जाते हैं। जितने भी शेड्स मिलते हैं यहाँ मैं स्क्रीन में डाल दूंगी, और जो मैंने शेड लिया है वो 01 नेचुरल टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ गोल्डन शेड भी थे तो मुझे ऐसा लगा कि फेस जो है काफ़ी ज़्यादा गोल्डन ना दिखाई दे, तो नेचुरल शेड ही लेना चाहिए, क्योंकि ये रिटर्न नहीं होते हैं तो अपना पैसा होता है वेस्ट, क्योंकि मुझे कहीं से मिला नहीं है कि कहीं से गिफ्ट मिला हो। तो मैं इसकी अच्छी अच्छी चीज़ें ही आपको बताऊँ। तो इसके अंदर अगर हम पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग कुछ इस तरीके की गोल्डन कलर ये पैकेजिंग में आता है। तो प्राइस की बात करूं तो रिटर्न है 399 रुपीज, तो ये डिस्काउंटेड प्राइस में भी आपको मिल जाता है, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और पीछे जो इसको यूज करने का तरीका बताया है और किस तरीके से यूज करना है वो मैं एक बार पढ़ के आपको बता देती हूँ। मिक्स द हाईलाइटिंग प्राइमर विद बेस प्रोडक्ट सच एज फाउंडेशन और बीबी क्रीम विद अ स्केल ऑफ 1:1। आफ्टर प्रेस ऑन द पाम अप्लाई देम ऑन द फेस टू फिनिश द बेस। सेकेंड यूज इसका बताया, आफ्टर फिनिशिंग द बेस अप्लाई द प्रोडक्ट ऑन द एरिया वेयर नीड टू बी हाइलाइटेड, मेक स्किन मोर ग्लॉसी। तो ये लिखने में तो बड़ा ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा है कि जो भी लिखा हुआ है ऐसा वर्क करेगा तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए हम ओपन करके देख लेते हैं। ओपन करके ये कुछ इस तरीके की ग्लास कंटेनर में आता है, ब्यूटीफुल सा ग्लास कंटेनर है। अंदर इसमें जो है वाइट कलर का जो है कुछ सब्सटेंस है, खोल के हम देखेंगे क्या है इसके अंदर। तो इसका जो अगर हम लिड की बात करें तो ये गोल्डन कलर की लिड है, ये ग्लास की बॉटल है, अगर गिर जाएगी तो टूट सकती है, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। और ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है, लाइट वेटेड बिल्कुल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम है। और इसको ओपन करती हूँ तो ओपन करने के बाद इस तरीके का पंप मिल जाता है। काफ़ी अच्छी बात है कि पंप में है, तो आपको जितने भी पंप लेने हैं आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि इसमें बताया है, मुझे ओपन करते के साथ इसके अंदर से फ्रेग्रेंस आई, तो इसके अंदर काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस भी है। मैं इसको अपनी हैंड पे थोड़ा स्वच्छ दिखाती हूँ आपको। तो ये प्रॉपर यहाँ जैसे कि नेचुरल लिया है मैंने इसका शेड, कौन सा शेड था, जैसे मैंने इसका शेड लिया है नेचुरल टेंट, तो ये कुछ इस तरीके का वाइट है। अगर मैं इसको स्प्रेड कर देती हूँ, अब मैंने इसको स्प्रेड कर दिया है, अब इसके अंदर आप एक शाइन देख रहे हैं, कितनी ज़्यादा शाइन दे रहा है ये। पे कैसे चमक रहा है, तो फेस पर अगर लगा लेंगे तो फेस आपका ऐसे ऐसे चमकने लगा। और अगर मैं ग्लिटर बात करूँ तो इसके अंदर ग्लिटर बिल्कुल नहीं है, एक शाइन है। तो ये एक बहुत बढ़िया स्ट्रॉब क्रीम है। तो एज अ स्ट्रॉब क्रीम भी आप इससे बहुत बहुत अच्छा काम निकाल सकते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि प्राइस इसका कम है। तो ये देखिए, इसके अंदर शाइन देख सकते हैं आप इसमें। मैंने इसको जो है फाउंडेशन के अंदर मिक्स करके नहीं अप्लाई किया, क्योंकि फाउंडेशन के अंदर मिक्स करने के बाद रिजल्ट पता नहीं चलते। मैं पहले एज अ जो है इसको प्राइमर यूज़ किया, एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ किया। अगर मैं इसकी वो बात करूँ कि किस तरीके का टेक्सचर है, तो टेक्सचर इसका थोड़ा चिपचिपा है, तो जैसा इसमें रिटर्न है कि ये फेस को मॉइस्चराइज करता है, तो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको फेस को मॉइस्चराइज कर देगा। तो अगर आप इसको फेस पर लगाते हैं, मॉइस्चराइजर और प्राइमर दोनों ही वर्क करेगा, तो आप देख सकते हैं फेस, ये मेरे हैंड पे शाइन, आप कितनी अच्छी शाइन देख सकते हैं। अब मैं इसे एज अ हाइलाइटर अप्लाई करके देखती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा अमाउंट लिया, अपने बैक हैंड पे रब किया, अब मैं अपने फेस पे एज अ हाइलाइटर से अप्लाई कर रही हूँ। वाओ, अब देख रहे हैं लाइट का रिफ्लेक्शन, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि लाइट यही फोकस कर रही है बिल्कुल। ये थोड़ा मेरे बालों पे भी लग गया,
और यहाँ आप देख सकते हैं, और यहाँ देखिए, इसको और लगा के दिखाती हूँ आपको। ग्लॉसी सा इफेक्ट आती है अपने फेस पर, तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। आपका फेस एकदम से इंस्टेंटली शाइन करने लग जाएगा। आप देख रहे हैं, मैंने अपनी जहाँ जहाँ पर भी इसको अप्लाई किया है वहाँ मेरा फेस कितनी अच्छी तरीके से शाइन है, और एक चमक सी आ गई है, और बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने कोई हाइलाइटर अप्लाई किया है। ऐसा लग रहा है मेरा फेस अंदर से शाइन कर रहा है। तो आप देख रहे हैं, वाओ। तो फ्रेंड, ये प्रोडक्ट तो कमाल का है, तो आप इसे ज़रूर ज़रूर खरीदिए और ज़रूर ट्राई करके देखिए। तो फ्रेंड, मेरी तरफ से ये हाईली हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है, आप इसे ट्राई करके ज़रूर देखना, क्योंकि प्राइस इसका कम है, आप अफोर्ड कर सकते हो। और क्योंकि अगर मैं बात करूँ मैक की, मैंने इसके बारे में ये भी सुना था कि ये मैक की स्टॉप क्रीम जो है उसके तरह ही वर्क करता है, तो मैक की स्टॉप क्रीम का प्राइस बहुत ज़्यादा है। अगर 350 रुपीज़, अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ, कितना इसका प्राइस था, 399 रुपीज़, जो इतना प्राइस में आपको कम ही प्राइस में मिलता है, इतने कम प्राइस में अगर आपको मैक का जितना ये टक्कर दे रहा है, तो आप इसे क्यों नहीं ट्राई करके देखते। तो आप देख सकते हैं फेस पर शाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो किस किस तरीके से ये वर्क करता है, आप इसे फाउंडेशन में मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं, फाउंडेशन से पहले एज अ प्राइमर आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और मेकअप करने के बाद अगर आपको फेस को हाईलाइट करना है तो एज अ हाईलाइटर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट को आप ट्राई करके ज़रूर देखना, और अपने जितने भी आपको जो जैसा भी आपको रिजल्ट मिला है मेरे साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि आपके जितने भी कमेंट्स आते हैं मुझे वो मोटिवेशन देते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके की मैं सस्ते और बढ़िया प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करूं, तो कमेंट में मुझे जरूर बताना, मैं जरूर ऐसे प्रोडक्ट ढूंढ के आपके लिए लाऊंगी। तो अगर वीडियोज अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज का फायदा उठा सके। तो मिलती हूँ मैं और इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के साथ। टिल देन, बाय बाय।